नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति जिया, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एट निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग बातें करेंगे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया एज पर WHO डेफिनेशन इज हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम परसेंट। नाउ आयरन डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अनीमिया पर से। देखिए क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। वीकनेस लगना, लिथार्जी लगना, लग रहा है कि बॉडी में जानी है, जनरलाइज्ड बॉडी पेन, इरिटेबिलिटी है ना, मूड अच्छा नहीं रहता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। जब एनीमिया ज्यादा होता है तो किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, इसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। इसके अलावा अगर ये हायर में जाए, ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है एनीमिया की, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो वाई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया? हीमोग्लोबिन में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन होता है विच नीड्स आयरन सो दैट बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये ऑक्सीजन बॉडी के हर मसल एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया? मोस्ट कॉमन इज डाइट। अगर हमने डाइट में अच्छे से आयरन नहीं लिया तो वो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में खुद ही आयरन डिफिशियंसी, आयरन की डिमांड ज्यादा होती है, तो प्रेगनेंसी में वैसे ही आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉजेज है ब्लीडिंग। इट ब्लीडिंग कैन बी फ्रॉम स्टमक अल्सर्स, इट कैन बी फ्रॉम हेमरल्ज, जो कि प्रेगनेंसी में एग्रेवेट हो सकते हैं। तो क्या करें, हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू ट्रीट? दिस कैन बी डायग्नोज वेरी इजिली बाय अ सिंपल ब्लड टेस्ट, है ना, that we can diagnose it for iron deficiency anemia. And for treatment, you should eat iron rich foods like palak, dry fruits mein kismis, akhrot, apricots, ragi and other foods like bananas, legumes jaise chane wagaira, these jaggery, these things are iron rich, so you can take them in your diet. Along with this, aapko विटामिन सी और विटामिन बी रिच फूड्स भी खाने चाहिए, जैसे कि आंवला, नींबू एंड अदर्स। इसके अलावा इन प्रेगनेंसी हम यूं ही आपको आयरन पिल्स देते हैं, बिकॉज आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है। इसके अलावा कभी कभी हमें आयरन के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, अगर डिपेंडिंग की आपकी हीमोग्लोबिन और आयरन डिफिशियंसी कितनी ज्यादा है। सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूं ही हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी में वी एक्सपेक्ट कि ब्लड लॉस होता है इन डिलीवरी, और अगर हमने देखा कि मदर एनीमिक है तो बच्चे में भी अगर आयरन डिफिशियंसी होती है तो दैट अफेक्ट्स बच्चे की डेवलपमेंट को भी, दैट अफेक्ट्स। सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो विच कैन बी मैनेज सो इजिली जस्ट विथ सम डाइट एंड सम पिल्स, सो दैट शुड नॉट अफेक्ट and have a long term effect both on the mother and the baby, so it should be treated.